नमस्कार, आप देख रहे हैं भी ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाइव। और ये देखिए, अभी हम कुरानसराय में मौजूद है, कुरानसराय के चौक पर भी मौजूद है। और यह चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे किस तरीके से संघन वाहन जांच जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पे डीटीओ साहब मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं उनसे हम जो है वो जानते हैं। उसको पालन करें, ताकि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं कम है, या हम लोग पहचान कर सके, जांच कर सके, हमारी पुलिस या हमारे थाना के लोग हमेशा भी करते रहते हैं। उसी अभियान में हम लोगों ने आज गाड़ियों को पकड़ा है। सर, जिस तरीके से वाहनों पर, चार चक्के वाहनों पर लोगों के द्वारा बोर्ड लगा दिया जाता है, उस पर क्या बोर्ड लगाने का प्रावधान है क्या? हाँ, वैसी गाड़ियों को भी हम चेक कर रहे हैं कि बोर्ड क्यों लगाया है। वैसे अभी आपके सामने आप नहीं आए थे, तो मैंने एक पर फाइन भी किया है। एक वार्ड पार्षद से उन्होंने एक बोर्ड लगाया था, जिन पर हमने फाइन भी किया। तो वैसे गाड़ियों में नहीं, बोर्ड लगाने का प्रावधान नहीं है, उसको डिफेसमेंट माना जाता है कि गाड़ी में जो आपने अल्टरेशन कर दिया। संयुक्त रूप से आपने कार्रवाई किया है ट्रकों के खिलाफ लगातार, आप रात में भी? हाँ, आज दो जगह अभियान चलाया गया, एक डुमराव में, दूसरा कुरानसराय में। कल भी कुछ गाड़ियाँ पकड़ी गई थी जिन पे नंबर प्लेट पे कालिख लगाया गया था, डिफेसमेंट किया गया था। और भी गाड़ी, कुछ ट्रक्स थे, चार ट्रक थे, और उसमें दो फोर व्हीलर था, तीन बाइक थी। आज भी 135,000 रुपया डुमराव में वसूले गए फाइन से, और 148 कुरानसराय में वसूले गए। और ये अभियान अभी जारी है, तो और भी वसूली, मतलब फ़ाइन किया जाएगा। लेकिन फ़ाइन करना हम लोगों का उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं लोग जो ट्रैफिक नियम का पालन करें और अपनी यात्रा सुरक्षित करें, ताकि लोगों का जीवन बच सके और हमें अपनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। मेरा कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को अगर देता है बाइक चलाने के लिए, देखे पहले उसे लाइसेंस है नहीं है, टेंडर एज है तो नहीं दे, लाइसेंस नहीं है बिल्कुल ही ना दे। ट्रिपल सीटर, हाई स्पीड बाइक, जिसमें कि गति नियम का कोई पालन ही नहीं होता, जिससे अधिकतर दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न होती है, और सबसे बड़ी बात लोगों की जान चली जाती है, जिसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि लोगों को ट्रैफिक नियमों के विषय में अवगत कराना, उनकी जीवन की रक्षा करना। क्या माना जाए कि बड़े शहरों के तर्ज पर अब बक्सर में भी जो है यातायात नियमों का पालन कराया जाएगा? जी, हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, इसे अपनी जिद ना बनाएं, क्योंकि अगर वो पालन करेंगे दुर्घटनाएं नहीं होंगी, बहुत कम होंगी, उससे हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और जनता के लिए भी अच्छा, उनके जीवन बचेगी। पर काली पोत के जाना क्या मानते हैं? ये एक अपराध है। डीटीओ साहब को मैंने बताया था, कल ही पकड़ा था गाड़ी कुछ, और सर को बताया कि आप आकर के इसको देखिए, जिन धाराओं में ये अपराध है उस पर फाइन होगी, जो कार्रवाई होगी की गई। बोर्ड लगे गाड़ियों पर लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। हाँ, अगर बोर्ड लगा करके, सायरन लगा करके कोई अवैध रूप से अगर इसका इस्तेमाल कर रहा है, मतलब अवैध कार्यों के लिए, तो ऐसा अपराध है, नहीं करना चाहिए। किसी भी गाड़ी पे मूल रूप में छेड़छाड़ या डिफेसमेंट माना जाता है, ये अपराध है। इसी के तहत पर भी कार्रवाई होगी सर? हाँ बिल्कुल होगी, बिल्कुल, मेरी नज़र है उन पे। इसी के तहत ये कार्रवाई सर CID? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी के तहत हुई। हाँ, इसी के तहत। कई सारे प्रशासन में भी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनका नंबर जो है वो फेल है और उनकी उन पर भी फिलिंग लगाए गए हैं। प्रशासन की गाड़ी हो या निजी गाड़ी हो, नियम सबके लिए एक है। अगर मेरे संज्ञान में ऐसी बात आएगी तो कार्रवाई उन पे भी की जाएगी। लिखित वाहन भी सर चल रही है धड़ल्ले से, उन पे भी नज़र है, हम लोग जांच करेंगे, देखेंगे उसको।